तो आज भी मेरे पास पूरे YouTube कम्युनिटी से बहुत सारे स्टोरीज है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो राइट गाइज, क्या हाल चाल, बढ़िया सब? तो यार आप लोग वीडियो देखते बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं 1K सब्सक्राइबर के बहुत ही क्लोज हूँ, तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं एसराज मुखाते का। जिनको नहीं पता एसराज मुखाते कौन है, तो वे मीम पे सॉन्ग बनाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल रहती है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा भी एक्टिव रहते होंगे तो आपने श्वेता वाली मीम जरूर देखी होगी। एंड उसी की रिगार्डिंग उनके फैंस लोग ने पूछे कि भाई मीम पे सॉन्ग आपने क्यों नहीं बनाया, एंड कुछ यूट्यूबर ने भी ट्वीट करके भी इस क्वेश्चन को पूछे, चाहे दिखाते आपके ट्वीट। तो वहीं पे आशीष चल चलें ट्वीट करके पूछते हैं, अभी श्वेता कौन है भाई, कोई समझाएगा? एंड वहीं पे सेली पॉइंट ने ट्वीट किया, विनोद किसी श्वेता को नहीं जानता। एंड रोनी दास गुप्ता पूछते हैं, गाना किधर है एसराज मुखोते, हैशटैग श्वेता जूम कॉल। एंड सभी का रिप्लाई करते हुए एसराज मुखोते ने अपने इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट किए थे, तब खुद देखिए उन्होंने क्या कहे। नो नो, श्वेता पे कोई वीडियो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतने लोगों ने डीएम कर दिया। तो ऑल्सो इस टॉपिक पे सतीश ने भी एक वीडियो निकाले, हम तुमको बताए अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, पता है क्या है, कैसे का हमारा बेस्ट फ्रेंड यशराज मुखाटे है, उसको बताते वो गाना बना देता, लेकिन जिस हिसाब से तुम वायरल हुई हो वो बीट बना रहा होगा, वो सोएगा नहीं साला, वो गाना बना। तो यशराज इस पे रिएक्ट करते हुए ये कहें, अरे नहीं बनाऊंगा श्वेता पे ट्रैक अल्फा भैया, हर चीज पे थोड़ी बनता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टोरी का। तो सतीश कुशवाहा, जिनको नहीं पता कौन है, तो उनके चैनल का नाम सतीश के वीडियोस एंड उस पर सब्सक्राइबर 5.4 लाख अप्रोक्स है। तो उन्होंने कल ट्वीट करके बताया कि उनके चैनल पर अमित भड़ाना का इंटरव्यू आने वाला है, एंड उसी की रिगार्डिंग उन्होंने ट्वीट कर कुछ वीडियो का छोटा सा क्लिप पोस्ट किए थे, ये दिखा दें आपको वीडियो का छोटा सा क्लिप। मुझे भी आज लग रहा है कि हाँ कुछ करा है मैंने, अच्छा नहीं बिल्कुल, और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ फ्रेम शेयर कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं भाई, हम सब एक बराबर हैं, एक जैसे हैं, कोई छोटा कुछ बड़ा नहीं भाई। नंबर्स का तो कभी रहा ही नहीं कि नंबर्स मेरे ज्यादा तो किसी के कम तो वो मुझसे छोटा, कुछ ऐसा नहीं भाई, हम सब बराबर है, साथ ही बैठे, साथ बैठ के एक ही प्लेट में खाना भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। भैया दिल छूने वाली बात कर रहे हो आप। तो अमित भड़ाना ने अपने इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट की है, 400 के कमेंट्स ऑन आत्मविश्वास इन 3 डेज। एंड अमित भड़ाना की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 400 के कमेंट्स ऑन ओनली 3 डेज में कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो बात करते हैं MC Stan का। तो MC Stan का उनके होम टाउन पुणे में लाइव शो है 27 फरवरी को, तो उसी की रिगार्डिंग उन्होंने अपने इंस्टा पे पोस्ट किए थे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं गौरव तनेजा सर का। तो उन्होंने कर अपने इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट किए थे जिसमें वो हनी सिंह, टोनी का करण, मिलन गावा एंड गुरु रंधावा के साथ दिख रहे थे। आइए आइए आपको दिखाते हैं वीडियो का छोटा सा क्लिप। तो चलिए रोनी कक्कर का बात हो ही गया, तो चलिए बात कर लेते हैं महेश केसवाला का, जो कि रोनी कक्कर का रोस्ट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ अपने इंस्टा पर स्टोरी लगाए थे। एंड आप लोग को वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा चैनल का, आप लोग वहाँ से जाकर रोनी कक्कर का रोस्ट वीडियो देख सकते हो। मोस्ट डिमांडेड एंड द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन टोनी भैया, टोनी कक्कर योर फेवरेट हैज बीन अपलोडेड ऑन माय मेन चैनल, तो जाओ जाओ देखो, पसंद आया तो लाइक करो एंड पसंद आया तो शेयर करो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आई विल बैक विथ अनदर न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।